हमारे पास अगर पेशेंट बढ़ गए तो हम लोग उसको अच्छे से टैकल करेंगे। उसी के साथ में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन को प्रवृत्त कर रहे हैं, आज उन्होंने 15 से 18 एरियाज को वैक्सीनेशन किया है, हेल्थ केयर वर्कर्स को थर्ड डोज वैक्सीनेशन किया है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब स्टेप्स चालू रखने से अच्छी तरह से हम उसको टैकल कर सकेंगे। डर सेकंड वेव में जरूर डर का माहौल था, लेकिन सेकंड वेव के बाद में 6 महीने आप देखो अच्छी तरह से हमारा वैक्सीन का प्रोग्राम हो गया है, काफी हद तक इम्यूनिटी बढ़ गई है और आज हम लोग सोच रहे हैं कि हर्ड इम्यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं कि सब लोगों को कितने जगह पे ऐसे देखा गया कि उनको एंटीबॉडीज आ गई है, उसको मतलब उनको माइनर डिजीज हो गया होगा लेकिन उसका इतना पता भी नहीं चला। तो ये जो ओमिक्रॉन आया है तो वो ओमिक्रॉन में इन्फेक्शन होंगे, स्प्रेडेबिलिटी होगी, लेकिन उनको इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण, उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी होने के कारण उनको डिजीज में से वो अच्छी तरह से बाहर निकल सकते हैं। सीरियसनेस नहीं होगा, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा मानते।